ऐसे गाने हम लेके आते रहेंगे। और मैं निकल रहा हूँ एयरपोर्ट के लिए, आगे एक मिनट में आ गया। खाली लेकर आए, मजा आ गया ट्रेंडिंग देख के। भाई आपकी तीसरी वाइफ है क्या? मैं नाचूंगी डीजे। छोरा हरियाणे का भाई देख मेरा टोरा। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और थैंक यू सो मच सबको, लव यू दिल से। गाना ट्रेंडिंग में चल रहा है और पायल की एक्टिंग सबको बहुत ही जबरदस्त लगी। बाकी पायल कुछ कहना चाहते हैं? तो गाइस मुझे ना बहुत अच्छा लगता है जब आप गाने को ना पहले दिन ही ट्रेंडिंग पे ले आते हो, इतना प्यार देते हो, इतने सारे कमेंट करते हो प्यारे प्यारे। और मैंने इनको बोला आगे भी ना, आप ऐसे डीजे सॉन्ग जिसपे डांस हो, थोड़े से नॉटी बनाओ, जैसे इसमें नॉटी बना हुआ है और अरमान जी का लुक बहुत अच्छा लगा आप सभी को, मेरा भी अच्छा लगा, मेरा डांस भी अच्छा लगा, तो ऐसे गाने हम लेके आते रहेंगे और आप अपना प्यार ऐसे ही दिखाते रहेंगे। तो गाइस अभी मैं निकल रहा हूँ एयरपोर्ट के लिए और एयरपोर्ट पर कौन आया है वो है आपके लिए सरप्राइज। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, हमारे बड़े भाई हैं तो उनसे मिलने चलते हैं, उनको लेके आते हैं। आगे एक मिनट में आ गया। तो काफी लोगों ने अंदाजा लगा लिया होगा कि कौन आए हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, आए हैं सफी भाई हैदराबाद से। तो 15 तारीख का जन्मदिन भी है, थोड़ा सा फन करेंगे, घूमेंगे, बर्फ देखेंगे और साथ में करेंगे वर्कआउट। तो भैया सरप्राइज ये था, सफी भाई पहुंच गए हैं, बाल बढ़ा रहे हैं सफी भाई, बाल बढ़ा रहे हैं भाई मेरे कहने से। पहली मरतबा भाई, ज्यादा टाइम नहीं खराब करते निकलते हैं। सफी भाई पहुंच गए हैं घर और हेयर स्टाइल देख लो भाई का, कितने दिन हो गए दादा बाल बढ़ाते। आपकी शादी के टाइम से खैंची नहीं, मजा आ रहा है। जबरदस्त लुक। तो फाइनली सफी भाई भी मेरे को नहीं पहचाने, शादी के बाद भी मैंने और लीन किया, और ज्यादा लीन किया है ना सफी भाई। बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे। तो भैया कैसे हो, मोटे हो गए भैया अब तुम, इसको हेल्दी बोलते हैं। चीकू नमस्ते करा, बैठो जी तेरे, बैठो आओ। सफी भाई मेरे लिए लेके आए सरप्राइज सबवे, और इनको पता था मैं डाइट पे हूँ इसलिए लेके आयो। यस, ऑल लीन करना है। सफी भाई क्या लेके आए स्पेशल चीज? सफी भैया हमारे लिए लेकर आए, मतलब मुझे लगा पहले सुपारी है बट अभी मैंने खाया है तो बिल्कुल मिट्टी जैसा है। अभी गाइस मैंने आपको ये शायद भाभी ने भेजा है, बिकॉज ऑफ भाभी ने भी 3 बच्चों को जन्म दिया है तो उनको हमारी फीलिंग्स जो है ना वो समझ में आ गई होगी कि भाई मिट्टी खाने का मन करता है इस वक्त। तो ये ऐसा ही कुछ है जो सलेटी का काम करती है, भाभी ने बोला था। यस, क्या हुआ? तो सफी भाई स्पेशली पराठे खाने आते हैं यहाँ पे। yes. है ऐसा है कुछ? आलू का पराठा। पिछली बार कब खाए थे? सब्जी अच्छी बनाते ना भाई, भाई। कपड़े आए। तो सफी भाई क्या बता, प्रेगनेंसी के टाइम मतलब यहाँ पे डिलीवरी के टाइम ना आए तो पहले गिफ्ट ले। ये तो बिल्कुल पापा जैसे कपड़े हैं, आपके साथ मैचिंग कर देंगे। गुड्डू भैया बेबी गर्ल के लिए भी लाए हैं, तो भैया को पता है कि बेबी गर्ल भी आएगी। और देखो उस पे क्या लिखा है, लिटिल बॉस। अच्छा बहुत सुंदर है। तो गाइस जब भी मैं बीएड करा के आता हूँ तो मुझे यकीन नहीं होता कि मैं ही हूँ और हीरो लग रहा हूँ मैं थोड़ा थोड़ा। सफी भाई भी हीरो तो है ही, देखो सभी भाई। This is अरमान मलिक। तो गाने को बहुत ही जबरदस्त प्यार दे रहे हो आप गाइस, जिसने नहीं देखा जाके देख लो, नंबर 1 रिकॉर्ड पे, और बायो में लिंक है वहां भी देख लेना, बहुत ही जबरदस्त फाड़ू गाना है। तो गाना आ गया भैया 7 नंबर ट्रेंडिंग पे, तो मैं आपको थोड़ी सी झलक दिखा देता हूँ गाने की, और जिसने नहीं देखा जाके देख लो। बाकी पायल जी थोड़ी सी हैप्पी लग रही है। हाँ जी, क्या हैप्पी तो होंगे ना गुड्डू, हमने एक हफ्ते पहले ही शूट किया था और हमने कोई प्रैक्टिस नहीं की थी, ना लक्ष्य ने ना मैंने, और हमने इतना अच्छा किया इसके अंदर ना, लोगों को पसंद आया तभी लोग हमें 7 पे लेके आए ना ट्रेंडिंग नंबर पे। तो गाइस गाना ये रहा 7 नंबर ट्रेंडिंग, और जिसने नहीं देखा एक बार जाके देख लो, बहुत ही जबरदस्त गाना हुआ है, पायल ने बहुत ही खतरनाक डांस किया है इसमें, जल्दी से जाओ। क्या भाई जी, बहुत बहुत बधाई, गाना आ गया 7वें नंबर ट्रेंडिंग पे, और दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारा गाना ट्रेंडिंग में ले आके छोड़ दिया आपने, और मुझे उम्मीद है ये गाना 1 नंबर पर चल लगा, कई दिन चल लगा। आशु खा रही है भैया मिठाई, गाना आ गया ट्रेंडिंग, ना तो चाय पी रही थी लड़की ना कुछ है भाई। आवाज अच्छी है बहुत ना, आवाज में दम। तो गाइस एक जबरदस्त गाने की रिकॉर्डिंग के लिए आ चुकी है आशु ट्विंकल, और इनका नाम आप सर्च करना यूट्यूब पे भैया, इतने गाने मिल जाएंगे जितने मेरे सिर पे बाल नहीं है। बिल्कुल सही बात है, और बहुत अच्छी है। आपने हमारा गाना सुना ही होगा कानपुरी असला, उसमें जो फीमेल वर्जन है वो इन्हीं का है। और ये हमारे अंकल जी हैं, और अंकल जी बहुत ही सपोर्टिव हैं अपनी बच्ची को लेके, हर जगह जहाँ भी गाने की रिकॉर्डिंग होते हैं साथ जाते हैं। और किसी को भी हरियाणवी गाना डब कराना हो आशु से, तो मैं अंकल जी का कॉन्टेक्ट नंबर डाल दूंगा, आप इनसे कॉन्टेक्ट कर लेना, ठीक है ना अंकल जी। तो फाइनली गाइस हम पहुंच गए हैं स्टूडियो, और हमारे साथ आशु पहुंच गए। आशु को थोड़ा सा लग रहा है कि कहीं मंदिर में आ गए, योद्धा हमारे साथ है जिन्होंने ट्रेंडिंग देख लिया है। बहुत ही मजा आ गया ट्रेंडिंग देख के गाइस, फटाफट आप लोग भी जाओ और गाना देखो और मुझे बताओ कैसी लगी अरमान भाई की एक्टिंग। लक्ष्य भी है बेचारे पीछे, लक्ष्य अब मेरे साथ रोज यहीं आते हैं स्टूडियो में, बहुत काम करती है लड़की, ऐसा मैनेजर भगवान सबको दे। और कुछ बदतमीज लोग थे, कुछ कुछ बोल रहे थे भैया इनके घर वाले भी वो कमेंट देख रहे हैं, तो कुछ लोग बोल रहे थे क्या ये आपकी तीसरी
दूसरी वाइफ है का। बहुत गलत बात है, पता चक्कर क्या, उनकी फैमिली पे क्या असर पड़ेगा, अगले क्या सोचेंगे। एक आर्टिस्ट है, एक आर्टिस्ट को पहले आपको बल्कि बढ़ाना चाहिए, उसे आगे बढ़ाना चाहिए, आप उसे डिमोरलाइज कर रहे हो। नहीं, एक बात बता, मैनेजमेंट भी कोई चीज होती है, वो तीन तीन चैनल संभालती है, यूट्यूब के चैनल संभाल रही है, आर्टिस्ट संभाल रही है, काम कर रही है, अपने आप को भी आगे लेके आना चाहती है। अगर आप ऐसे करोगे तो वो आगे नहीं आ पाएगी। तो आपको मैं बता देता हूँ, आप चीकू का शॉर्ट्स चैनल देखते हो, उस पर डेली की 10 वीडियो अपलोड होती है। फैमिली फिटनेस शॉर्ट्स देखते हो, उस पर 20 वीडियो अपलोड होती है। तो सारे चैनल यानी कि शॉर्ट्स के जितने भी चैनल है वो सारे लक्ष्य संभालते हैं। तो भैया जोरों शोरों से डबिंग चल रही है। पीछे है आशु, फुल खेच के काम ले रही है, और अजमेर भाई के लिरिक्स है, डीके भाई भी बैठे हुए यहाँ पे, तो बहुत ही खतरनाक खतरनाक राइटर है। और साथ में हमारे केपी पाजी लगे हुए हैं फुल जोरों शोरों से, वहाँ पे हमारे मास्टर जी बैठे हैं साइलेंट कुछ लिख रहे हैं दिमाग में, अंकल जी भी लगे हुए हैं। तो गाइस सरप्राइज आने वाला है, जैसे ये गाना था वैसे और सरप्राइज है, बहुत सारे धमाल होने वाला है। यस, वेट एंड वॉच। तो गाइस फाइनली डबिंग हो गई है भाई, मैं भी कर दूं अब इसके बाद जो ये ड्यूट सॉन्ग है। हाँ। लड़की गा चुकी आशु ट्विंकल, अब भाई ने गाना है, कर दे शुरू भाई का, कर दे स्टार्ट। हाँ। कर देते हैं स्टार्ट। तो गाइस गाने के बाद पेट हो जाता है बिल्कुल खाली सिंगर का, बाकी लोग तो देखो फजूल की होते, जितने दिख रहे ना चेहरे, ये देखो मेहनत करिए सिर्फ एक छोरी ने या बैठी अकेली, और फिर सारे सुननी है, और उसके बाद जो मेहनत करी है वो करी है अरमान मलिक ने। सबसे ज्यादा मेहनत तो अरमान भाई ने की है, और सुनने वालों को भी तो भूख लग जाती है। हाँ, तो मैं बता देता हूँ गाइस, एक और कांग्रेचुलेशन है, गाना नंबर 4 पे आ गया ट्रेंडिंग, और आप इतना प्यार देते हो तो इतना ही प्यार देते रहो, और गाने को एक नंबर पे लिया। सुनो और बताओ कैसा लग रहा गाना। जतिन भाई दो लाइनें सुना दो गाने की। मैं सुनाऊंगा जी, सुना। मैं नाचूंगी डीजे पे फ्लोर टूट गया तो क्या, मैं नाचूंगी डीजे पे पायल टूट गई तो क्या। वैसे लेडीज का गाना है, देखो बहुत अच्छा सॉन्ग है, डीजे सॉन्ग है। जितने भी हरियाणा, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की जितनी भी लेडीज हैं, उनके लिए स्पेशल अरमान भाई ने हैवी भाई ये सॉन्ग निकाला था, एक नंबर है। तो गाइस खाना खा के पहुंच गए नीचे, तो अभी का कार्यक्रम बताएंगे अपने जतिन भैया, क्या प्रोग्राम भाई आगे का। मैं चाहता हूँ एक सेकंड सॉन्ग और रिकॉर्ड कर ले, पर आशु ट्विंकल जी की अगर एनर्जी होगी तो सेकंड गाना करेंगे। क्या कहना चाहते, देखते हैं सर। कितना टाइम चाहिए आपको, कौन बनेंगे करोड़पति की तरह? 5 मिनट। तो पूरा टाइम दे दिया है हमने, कर लेंगे कोई बात नहीं, घर की हमारी बच्ची है वो। मरवाएंगे किसी दिन मुझे, सोते रह जाएंगे, सब कुछ लूट के ले जाएगा मेरा। तीन बजे जतिन भैया, समझ रहे हो, रोज ही बज रहे हैं, रोज ही। गाइस मेहनत इतनी ज्यादा चल रही है, जो एक एक गाना बनता है ना उसके लिए बहुत सारी रातें जागनी पड़ती हैं, और उसके बाद भी ना कुछ लोग हैं हमारे शुभचिंतक लिख देते हैं नीचे क्या था गाने में, ऐसे बोलते हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ही ज्यादा मेहनत, और आप रोज देख रहे हो व्लॉग में, देख रहे हो मेहनत। तो बस अभी निकलता हूँ घर के लिए, गाना डब हो गया है, बहुत ही जल्दी सरप्राइज मिलने वाला है। जतिन भैया की व्लॉग है, और व्लॉग का लिंक बायो में डालूंगा, तो जाकर देख लेना, बहुत सारी ज्ञान की बातें जो एज अ सिंगर आपको समझ आएगी, सिंगर म्यूजिक डायरेक्टर सबके लिए है। जाना चेक करना, लोग का नाम है गुरुदेव द मेकर, मैं बायो में लिंक डाल दूंगा। तो गाइस रात को ना 4 बजे के थे घर पहुंचते, बस अभी उठा हूं 10 बज गए, और अभी निकलता हूं कार्डियो के लिए, कार्डियो करना है 1.5 घंटा, फिर आके डाइट लेंगे, सो जाएंगे। थैंक यू सो मच, गाना आ गया है 4 नंबर ट्रेंडिंग पे, मैं दिखा देता हूँ आपको भी एक बारी। तो गाइस गाना देख रहे हो, 4 नंबर ट्रेंडिंग में चल रहा है, जिसने अब तक नहीं सुना जाके सुन लो, कमेंट करके आना बहुत सारे, और बताना आपको कैसा लगा। तो आज का ब्लॉग हम यही समाप्त करते हैं, नमस्कार, बाय बाय, लव यू।